वर्ल्ड कप का रोमांच अपने चरम पर है। क्रिकेट के इस महासंग्राम में 10 देशों के दिग्गज खिलाड़ी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। हालांकि जब भी क्रिकेट की बात होती है तो महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, सर डॉन ब्रैडमैन, कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों के नाम सामने आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक क्रिकेटर ऐसा भी रहा जिसके खेल के प्रति लगन ने उसकी तस्वीर को नोट पर छपवा दिया। ये क्रिकेटर थे वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान फ्रैंक वॉरेल। फ्रैंक दुनिया के एकमात्र ऐसे क्रिकेटर रहे जिनकी तस्वीर किसी देश के नोट यानी करेंसी पर छपी। 1941 में फ्रैंक ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक कदम रखा। इसके बाद उनके खेल की दुनिया दीवानी हो गई। वो जितने खतरनाक ऑलराउंडर थे उतने ही जिंदा दिल इंसान भी थे। फ्रैंक की जिंदा दिली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भारतीय कप्तान अस्पताल में भर्ती थे तो फ्रैंक ने उन्हें बचाने के लिए अपना खून दिया था। दरअसल 1962 में भारतीय टीम वेस्ट इंडीज दौरे पर गई थी। इसी बीच बल्लेबाजी के दौरान भारतीय कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर को चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भारतीय कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर के चोट की खबर फ्रैंक को मिली। वो तुरंत अस्पताल पहुंची और जब इलाज के दौरान खून की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बिना कुछ सोचे भारतीय कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर के लिए खून दान किया। फ्रैंक की बल्लेबाजी की दुनिया दीवानी थी, साथ ही उनमें अच्छी नेतृत्व क्षमता भी थी। इस कौशल को देखते हुए वहां के स्थानीय अखबारों ने उनके पक्ष में अभियान चलाया और वेस्ट इंडीज में स्थित गोरे के वर्चस्व के बीच फ्रैंक पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति थे जिन्हें वेस्ट इंडीज का कप्तान बनाया गया था। कप्तान बनने के बाद उन्होंने टीम को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। खेल के प्रति उनके लगन और योगदान को देखते हुए बारबेडोज ने अपने डाक टिकट और करेंसी नोट पर फ्रैंक की तस्वीर छापी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पहले अश्वेत कप्तान फ्रैंक वॉरेल की मौत 42 साल में ही हो गई। क्रिकेट जगत में वो कुछ वैसे ही थे जैसे भारतीय राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। फ्रैंक का व्यवहार ऐसा था कि उन्हें टीम के साथियों के अलावा विरोधी भी उतना ही पसंद करते थे और उनकी इज्जत करते थे। अब आपको फ्रैंक वॉरेल के बारे में कुछ जानकारियां बताते हैं। 1 अगस्त 1924 को फ्रैंक वॉरेल का जन्म हुआ था। 1941 से 1964 तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। 1948 में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया। 1963 में अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला। 13 मार्च 1967 में उनका निधन हो गया। वहीं फर्स्ट क्लास में उनकी बल्लेबाजी के आंकड़ों पर नजर डालें तो 208 फर्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने 54.24 की औसत से 15,025 रन बनाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 308 रनों का उनका उच्चतम स्कोर रहा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फ्रैंक के नाम 39 शतक और 80 अर्धशतक हैं। वहीं फर्स्ट क्लास में गेंदबाजी के आंकड़ों पर नजर डालें तो 208 मैचों में 28.98 की औसत से 2.26 की इकोनॉमी और 349 विकेट लिए, 13 बार 5 विकेट लिए। वहीं बेस्ट गेंदबाजी की बात करें तो 70 रन देकर उन्होंने 7 विकेट भी चटकाए। वहीं टेस्ट में बल्लेबाजी के आंकड़ों पर नजर डालें तो 51 टेस्ट मैचों में 49.48 की औसत से उन्होंने 3,860 रन बनाए थे। टेस्ट करियर में 261 रनों का उच्चतम स्कोर रहा। टेस्ट करियर में फ्रैंक के नाम 9 शतक और 22 अर्धशतक हैं। वहीं टेस्ट करियर में गेंदबाजी के आंकड़ों पर नजर डालें तो 51 मैचों में 38.72 की औसत, 2.24 की इकोनॉमी और 69 विकेट लिए, 2 बार 5 विकेट, 2 बार 4 विकेट, 70 रन देकर उन्होंने 7 विकेट चटकाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।